नमस्कार सलाम, आज हमारे साथ बातचीत के लिए है सिद्दीक कापन, जो नाम पत्रकारिता से जुड़ा हुआ है और जो नाम अब एक मानव अधिकार कार्यकर्ता से भी जुड़ा हुआ है। 28 महीने उत्तर प्रदेश के जेल में रहकर सिद्दीक कापन के अनुभव क्या थे और उनके ऊपर जो आरोप थे उसको लेकर उनके लिए और परिवार के लिए किस तरह की बातों का सामना करना पड़ा। नमस्कार सर, कैसे आज, मतलब फरवरी महीने में फाइनली फरवरी 2023 में आपका रिलीज हुआ। इसके पहले कि मैं जेल के बारे में बात करूं, मुझे पूछना था कि बेल ऑर्डर आने में और रिलीज होने में इतना समय क्यों लगा? देखो, मेरा ऑर्डर आ गया, पहले मुझे बेल मिल गया 2021 सितंबर को, बेल मिल गया सुप्रीम कोर्ट से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से बेल मिलने के बाद एक जमानती मिलने के लिए बहुत मुश्किल हुआ। मतलब nobody was prepared to stand no, yeah. मतलब ये बताया लोकल पीपल, मतलब यूपी से कुछ लोग मतलब जमानती करना है, मतलब हम, मेरा वाइफ और भाई यूपी, सब थे, सब रेडी था जमानती के लिए। लेकिन ये सेशंस कोर्ट ये कंडीशन लगाया एक लोकल पीपल से, मतलब इसको मुझे बेल मिलने के बाद भी जेल में बंद रखना पड़ा। कितने महीने? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 5 महीने के बाद फरवरी 2 को मैं बाहर आ गया। मतलब पहले यूएपीए केस में, यूएपीए दो सेक्शन, दो दायरा था, यूएपीए 17 और 18। एक में फॉरेन फंडिंग दिखाया, एक कॉन्स्पिरेसी दिखाया। मतलब इसमें बेल मिलने के बाद केवल 5,000 रुपया का मामले में पीएमएलए केस लगाया मुझे पहले। तो मतलब आपको लगता है कि आप पूरा एक कानून के शास्त्रीकरण का जो हुआ है, वेपनाइजेशन ऑफ द लॉ, उसका शिकार बन गए? ये देखो, मेरा ये प्रोसेसिंग, ये प्रोसीजर, इसे पनिशमेंट। फाइनली आई थिंक, मुझे लगता है रूपरेखा जी आपके लिए, रूपरेखा वर्मा जी आ गया पहले। मतलब ये फर्स्ट ये आने के बाद मुस्लिम लोग भी इसके बाद आ गया मेरे लिए, क्योंकि डर शायद बहुत डर है। मैम बहुत उधर सोशल एक्टिविस्ट है, उसको डर नहीं था। ये बताया, ये इस जमाने में ये एक अंधेरा है, इरा है, मतलब ब्लैक इरा है। इस इरा में मैं एक छोटी काम किया, ऐसा बताया मैम। मेरे लिए, मेरा फैमिली के लिए ये बहुत बड़ा, दुनिया में इतना बड़ा काम दूसरा नहीं है। सिद्दीक जी, आपको जो अक्टूबर 2020 में आपको गिरफ्तार किया हाथरस कांड के रिपोर्टिंग के मामले में, तो आप केरल में रहते हैं, तो आपने ये जो कवर अप करने के लिए गए, उसका अनुभव बताइए, क्यों गए एक बार, दूसरी बार गिरफ्तारी के बाद आपके ऊपर जो इल्जाम लगाए गए क्या थे, क्यों थे, उसके बारे में कुछ कहें। ये आपका क्वेश्चन है, ये बहुत लोग क्या किया, मतलब ये एक गवर्नमेंट का एक प्रोपेगेंडा था, इसलिए मैंने पूछा। केरला से रिपोर्टिंग के लिए क्यों यूपी आ गया? मैं केरला से नहीं आया, मैं पिछले 2013 से दिल्ली में काम करता था। तो ये एक बहुत महत्व की चीज है, ये जो प्रोपेगेंडा का हिस्सा बन गया है कि जैसे दिल्ली से तकरीबन 2 दर्जन पत्रकार हाथरस कांड को कवर करने के लिए गए थे, इंक्लूडिंग, मतलब वो जो बहुत ही जो स्मशान का जो एक पूरा एक वीडियो था, वो भी एक दिल्ली के बहुत जाने माने पत्रकार ने, एक महिला पत्रकार ने बनाया था, जिसको लेकर भी उनको बहुत कुछ सहना पड़ा, जेल नहीं मगर दूसरी चीज। तो ये जो अफवाहें सरकार के द्वारा फैलाई गई, जिसमें पत्रकार ने भी हिस्सा लिया सफाई न देने का, इसकी सफाई दे रहे हैं। दिल्ली के लिए मैं इसलिए आया, उधर सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट, ये दोनों मेरा बीच था, दलित, विमेन, कश्मीर इशू, ये था मेरा बीच। कौन से चैनल के लिए? मैं इस 10 साल में 2-3 पत्र न्यूज़पेपर में काम किया। लास्ट मेरा अरेस्ट के टाइम में मैं एक पोर्टल में था, अड़ीमुगम वेब पोर्टल, उससे पहले मैं तत्समय एक मलयालम न्यूज़पेपर में प्रिंट मीडिया में काम करता था। मतलब ये बताइए, ये फर्जी पत्रकार है, मेरे पास प्रेस क्लब ऑफ इंडिया का आईडी कार्ड था, DUJ, दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, उसका आईडी कार्ड था, फिर भी ये बताया ये फर्जी पत्रकार है, ये पॉपुलर फ्रंट का क्या एजेंट, ऐसा ऐसा भी बताया,
ये पत्रकार नहीं, ये पत्रकार इधर का मास्क गार्ड, मतलब एक मास्क यूज कर, हाँ ऐसा बताया। लेकिन अभी भी मेरा चार्जशीट में मेरा बेल ऑब्जेक्ट करने के लिए एक अफिडेविट दाखिल किया यूपी सरकार, उस अफिडेविट में भी मेरा आईडी कार्ड का फोटो कॉपी है। उस टाइम में ये एक प्रोपेगेंडा बन के ये इशू किया, ये पॉपुलर फ्रंट का एजेंट है या उधर दंगा फैलाने के लिए गया। लेकिन मेरा ऊपर एक 151 सीआरपीसी 151 107 160 ये तीन धारा लगा के मुझे जुडिशियल कस्टडी भेजा 14 दिन के लिए। फिर तीसरी दिन मेरा ऊपर यूएपीए डाला, मतलब मेरा ऊपर क्या, मतलब मेरा अरेस्ट का क्या वजह था, ये तीन धारा था। ये केस में मेरा बरी किया 6 महीने के बाद 151 107 116 ये तीनों सीआरपीसी धारा में मुझे बरी किया, चार्जशीट दाखिल नहीं किया। देखो अभी तक मेरा चार्जशीट 5000 का कॉपी दिखाया है लोग, ताकि अभी तक मुझे चार्जशीट नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला इस टाइम तक। आपका जेल का अनुभव तो हमने पढ़ा है, सुना भी है, बहुत ही खतरनाक था, जिसमें आपको एक मुजरिम को वैसे भी अच्छी तरह के निरंतरता को अच्छी तरह नहीं रखते हैं जेलों में, और आपको एक खास एक तरह का दुश्मन बना के रखा था ऐसा हमने सुना। ये देखो मुझे एक जेल के अंदर, मथुरा जेल में जेल के अंदर एक बैरक था, वो जेल के अंदर एक जेल था, बैरक नंबर 14, उसमें रखा मुझे। और ट्रीटमेंट, मैं शुगर पेशेंट था, ट्रीटमेंट नहीं है, और आपको मालूम होगा, मतलब हमारा केरला लोगों को नहीं मालूम, गाली, ह्यूमिलिएशन, ये मेंटल टॉर्चर था। एक जेल में 100 से ज्यादा लोग एक बैरक में, आपको बैरक के बारे में मैं नहीं बताऊं, इतना छोटा बैरक में 100 लोग, उसमें खाना के लिए भी झगड़ा होने चाहिए, खाना भी सही से नहीं मिलता, ऐसा एक सिचुएशन था मथुरा जेल। कितने दिन थे वहां पे? बुक में 1 साल 2 महीने मथुरा जेल में, 1 साल 2 महीने लखनऊ जेल। और किताब वगैरह मिलती थी? किताब पेन ये दोनों उधर मतलब प्रोहिबिटेड था, लेकिन ये सब नशा का क्या चाहिए आपको वो सब मिलता है, लेकिन बुक पेन ये दोनों नहीं मिले, किसी को नहीं, न्यूज़पेपर भी नहीं मिला किसी को भी नहीं, वहाँ पे लाइब्रेरी नहीं है, लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी के लिए कुछ बुक्स है, वो वाजपेयी का बायोग्राफी ऐसा ऐसा बुक है वो दे देगा आपको, ऐसा बुक्स वो भी मैं यूज किया, मतलब कुछ नहीं था, पेपर भी नहीं मिला। हिंदू न्यूज़पेपर का उधर 500 रुपए है 1 महीने के लिए। अभी आप जो जिंदगी जी रहे हैं केरला में आपके घर में, उसमें आपको रिपोर्टिंग करना पड़ रहा हर हफ्ता अपने शहर में, उसके बाद पुलिस स्टेशन, उसके बाद लखनऊ जाना पड़ रहा है, तो पत्रकारिता को लेकर आपका क्या अभी रिश्ता है, किस तरह आप कर सकते हैं, कर पाते हैं कि नहीं? देखो अभी मेरा ऊपर 2 केस है, एक यूएपीए केस है, एक ईडी का केस है। ये दोनों केस में 1 महीने में और 14 दिन में एक बार कोर्ट में पेश करना पड़ेगा, ऐसा है तो कौन सी मीडिया आपको जॉब दे देगा? तो लगता है कि कानून का जो पंजा है या कानून के जो हाथ हैं वो बड़े लंबे भी होते हैं, और एक तरह से जवाबदेही नहीं है कानून में, क्योंकि कानून व्यवस्था में अगर आप किसी की पर्सनल लिबर्टी, जिसको हम बोलते हैं कि व्यक्तिगत आज़ादी को, इस तरह छीन लेते हैं, जेल में डालते हैं, और मगर उनको अपने केस लड़ने के लिए भी मजबूर करते हैं, क्योंकि उनके पास पूरा इन्फॉर्मेशन है नहीं चार्जशीट में कि वो किस तरह लड़े। तो काफ़ी सवाल सिद्दीक कपन जी के गिरफ्तारी से और उनके बर्ताव से मिलते हैं, और कुछ आप कहना चाहेंगे सिद्दीक जी? देखो अभी हम एक ओपन जेल में हैं, अभी देखो मुझे मेरा केस लड़ना है, केस लड़ने के लिए चार्जशीट पूरा नहीं मिला अभी तक, और केस लड़ने के लिए पैसा चाहिए, वकील को पैसा देना है, उसके लिए भी कुछ सुविधा नहीं है, काम नहीं है, 3 स्कूल गोइंग स्टूडेंट हैं, चिल्ड्रन बच्चे हैं, उसको भी पालना है। एक तरफ मेरा केस क्या है मुझे नहीं मालूम अभी तक आपको पूरा आपके खिलाफ क्या है वो नहीं मालूम। मुझे यकीन है
मेरा केस यूपी का किसी ट्रायल कोर्ट में ट्रायल करेगा तो मुझे सजा मिलेगा, मतलब अभी मुझे एक वकील को फीस देना है। कुछ वकील लोग है लखनऊ का, हमारा आई बी सिंह जैसा लोग, उसका मदद में उसका एक क्या प्रो बोनो उसमें हमारा केस चल रहा है। अभी मैं एक ओपन जेल में है, अभी मुझे पूरा आजादी नहीं मिल गया अभी तक। ऑल द बेस्ट सिद्दीकी, बहुत बहुत शुक्रिया, और हम बस यकीन उम्मीद करते हैं कि आपको जल्दी अपनी पत्रकारिता वापस शुरू करने का मौका मिले। बहुत बहुत शुक्रिया।